बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार ने कस ली है अपनी कमर, क्योंकि 15 अगस्त से अक्षय आक्रमण करने को जो तैयार हैं। अरे नहीं नहीं, कोई युद्ध नहीं होने वाला, बस शुरू होने वाला है रिलीजिंग का सिलसिला जल्द ही। ऐसे में अक्षय को सबसे पहले और सबसे ज्यादा तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उनकी 7-7 फिल्में जो रिलीजिंग का इंतजार कर रही हैं, सूर्यवंशी से लेकर बच्चन पांडे तक सभी की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी गई है। ऐसे में अक्षय से लेकर फिल्म के मेकर्स को पहले से ही कई सारा नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब जल्द ही अनलॉक भी शुरू होने वाला है, जिसके बाद उम्मीद है कि वापस से चीजें नॉर्मल होंगी और ऐसे में अक्षय अब कोई ढील और ना ही देरी छोड़ेंगे अपनी फिल्म को रिलीज करने में। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं अक्षय की कौन कौन सी फिल्में लाइन से रिलीज का मुंह देख रही है। पिछले 1.5 साल से सूर्यवंशी रिलीज नहीं हो पाई, इस साल भी ये फिल्म रिलीज होते होते रह गई, लेकिन मेकर्स का पेशेंस देख अब लगता है कि जैसे ये फिल्म सीधा थिएटर्स में ही रिलीज की जाएगी। इसके अलावा बच्चन पांडे जिसकी डेट भी आगे बढ़ चुकी है, अतरंगी रे भी कोरोना की वजह से पोस्टपोन होने की मार झेल चुकी है, पृथ्वीराज भी कोरोना में ही उलझ कर रह गई, तो वहीं अफन के टाइटल पर अलग बवाल खड़ा हो गया है। बेल बॉटम को लेकर भी तरह तरह की खबरें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन अफसोस अक्षय की बेल बॉटम भी अभी तक रिलीज नहीं हो पाई, न ही OTT पर और न ही सिनेमा घरों में। रक्षाबंधन, राम सेतु जैसी फिल्में अभी लाइनअप है, जिन्हें अक्षय ने हर हाल में इसी साल निपटाना है, ताकि ये फिल्में अगले साल तक रिलीज के लिए तैयार हो जाए। इस समय अक्षय पर सिर्फ शूटिंग का ही भार नहीं, बल्कि एक के बाद एक फिल्मों की रिलीज की भी टेंशन है, क्योंकि खिलाड़ी कुमार अपनी हर फिल्म को रिलीज करने में कम से कम 3 से 4 महीने का गैप जरूर लेते हैं। ऐसे में उनके लिए इन 7 फिल्मों को उनके अंजाम तक पहुंचा पाना काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर अक्षय भी तो खिलाड़ी कुमार है, वो भी इतनी आसानी से कैसे पीछे रह सकते हैं भला। अब जब अक्षय को पता है कि वो वक्त आ गया है जब फिल्मों की रिलीजिंग स्टार्ट होंगी, तो अक्षय ने अपनी फिल्म्स के मेकर्स और एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग्स पहले से ही शुरू कर दी हैं। दूसरी तरफ बाहर की सिचुएशन पर अगर थोड़ा गौर किया जाए तो धीरे धीरे कोविड केसेस डाउन हो रही हैं, जिससे उम्मीद की जा रही है कि अगस्त तक सब कुछ वापस से ओपन हो जाएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे पिछले साल की तरह अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिसंबर से पहले वैक्सीनेशन प्रोसेस में भी बढ़ोतरी आ जाएगी, इस बारे में खुद हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने बताया है। यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो जुलाई अगस्त तक बहुत ही आराम से थिएटर्स भी खुलने लग जाएंगे और फुल स्पीड में शूटिंग भी शुरू होने की उम्मीद है। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि जुलाई तक सिचुएशन थोड़ी अंडर कंट्रोल होगी। ये तो रही बात अक्षय और मेकर्स की फिल्म रिलीज होने की पॉसिबिलिटी की, मगर जनता जो एंटरटेनमेंट के लिए तरस गई है, घर में रह रह कर बोर हो गई है, एक तड़कता भड़कता फुल पैकेज, उन्हें मसाला मूवी चाहिए जो उनके दिमाग को वापस से ट्रैक पर ले आए और उनके मूड को चेंज करने में उनकी हेल्प करे। ऐसे में ये समय अक्षय के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है और उनकी फिल्मों के लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल भी। अब देखना होगा बेहद ही खास कि अनलॉक की प्रक्रिया के खत्म होते होते अक्षय की फिल्मों से जुड़ा मेकर्स क्या बड़ा फैसला करते हैं। बीटाउन की हर लेटेस्ट अपडेट, सेलेब्स की हर छोटी बड़ी गॉसिप्स, आप सभी के चहीते सितारों की पूरी कहानियाँ, सब कुछ मिलेगा आपको हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल पर। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।